तो उसमें किसी को कोई डाउट है? होमवर्क कुछ दिया था क्या? ठीक है तो लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ ऑल फोर डिजिट नंबर्स, फाइंड द सम ऑफ ऑल फोर डिजिट नंबर्स फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट्स, फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट्स 0 1 2 3 4, form by using the digits 0 1 2 3 4 such that repetition is not allowed, repetition is not allowed, repetition is not allowed. Question sabhi logo ne sun liya jo online attend kar rahe hain. नंबर जो है वो है 0 1 2 3 4, इनकी हेल्प से फोर डिजिट का नंबर बनाने और उनका हमें क्या चाहिए? सम. जो कल हमने यूज किया कॉन्सेप्ट तो वही है, बस जीरो से एंड हो रहा है, वन से एंड हो रहा है, ऐसे कितने नंबर्स बनेंगे. नहीं अथर गलत है. नहीं तनिषा गलत. चलो ठीक है, उसमें जो फोर्थ पोजीशन फर्स्ट पोजीशन पे जो आ रहा होगा वो अलग से डील करना पड़ेगा. किया क्या? ठीक है चलो देख लो. यहाँ पे हमें फोर डिजिट का नंबर बनाना है. अब ऐसे नंबर हमें मिलेंगे कि वो क्या आ रहे होंगे, जीरो से एंड हो रहे होंगे, वन से एंड हो रहे होंगे, टू से, थ्री से, फोर से. तो जो जीरो से एंड हो रहे हैं ऐसे कितने नंबर मिलेंगे? 24. तो 0 24 बार ऐड करेंगे तो सम कितना आएगा उसका? 0 ही आएगा. तो वो केस कंसीडर करने की जरूरत है क्या?
मतलब मान लो जब यूनिट प्लेस पे जीरो आ रहा है, कैसे 24 नंबर्स बनेंगे? हमें इसकी हेल्प से नंबर बनाने हैं, 1 2 3 4, इसको चार तरीके से तीन कर सकते हैं, इसको तीन, इसको दो, तो 24 बनेंगे। लेकिन 24 टाइम्स अगर हम जीरो को ऐड करते हैं तो सम तो जीरो ही आना है, मतलब यूनिट प्लेस पे जीरो आ रहा है, यूनिट 10 प्लेस पे जीरो आ रहा है, यहाँ पे जीरो आ रहा है, वो केस कंसिडर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनका सम कितना होने वाला है, जीरो। तो हम क्या करेंगे, जब यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है, सिर्फ वन आ रहा है, टू आ रहा है, उनको कंसिडर करेंगे। ये क्लियर हो रहा है ना सभी लोगों को, जीरो को क्यों नहीं कंसिडर कर रहे? लेना चाहो तो लिख सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी वहां पे। आंसर तो जो मैं अभी लिख रहा हूँ उसी से आ रहा है, वो ही आने वाला है। हाँ, तो क्या कह रहे हैं? तो 10 टेस्ट पे भी तो जीरो आ सकता है। ठीक है, तुम लिख लो, यार भी उससे बढ़िया लिखो के जब यूनिट प्लेस पे जीरो आ रहा है, ऐसे कितने नंबर्स? 24। जब यूनिट प्लेस पे वन आ रहा है, ऐसे कितने नंबर्स? यहाँ पे इसको अब हम तीन तरीके से फील कर सकते हैं, क्योंकि जीरो नहीं आ सकता फर्स्ट पोजीशन पे, इसको तीन, जीरो आ सकता है इसको दो, तो ऐसे नंबर्स आ जाएंगे यहाँ पे 80। फिर उसके बाद टू आ रहा होगा यूनिट प्लेस पे, ऐसे भी कितने नंबर्स आ जाएंगे? 18। यूनिट प्लेस पे थ्री आ रहा होगा, ऐसे कितने नंबर्स? 18। एंड यूनिट प्लेस पे फोर आ रहा होगा, ऐसे कितने नंबर्स? 18। तो जीरो हमारा कितनी बार ऐड होगा? 24 टाइम्स, तो जीरो ही आएगा उसका सब। 80। वन कितनी बार ऐड होगा? 18 टाइम्स। टू ऐड होगा 18 टाइम्स, थ्री ऐड होगा 18 टाइम्स, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे? 54। एंड फोर ऐड होगा 18 टाइम्स, 72। तो इन सब का सम करेंगे तो कितना आ रहा है? 180। तो 180 आ जाएगा। तो यूनिट प्लेस पे जो डिजिट्स आने वाले हैं उन सब का सम कितना आ जाएगा? 180 आ जाएगा, जितने भी नंबर्स बनेंगे। और हम एडिशन ऐसे ही करते हैं, पहले यूनिट प्लेस की एडिशन, तो जो सम आएगा वो 180 आएगा, उसका कैरी ओवर कितना चला जाएगा? 80। ऐसे ही फिर 10th प्लेस पे भी होगा, 10th प्लेस पे भी होगा, तो ये सम कितना आने वाला है? 180, उसमें 18 ऐड हो जाएगा, फिर 180 उसमें 18 ऐड हो जाएगा, 180। लेकिन अब इसका सम बताओ कितना आता है, सोच समझ के बताना। इसमें फर्स्ट पोजीशन को हमें अलग से डील करना पड़ेगा। क्या हुआ बता? हाँ हाँ पर 98 तो 90 चला जाएगा, और यहाँ पे तो 18 आ गया, ये तो चलो ठीक था, ये 198, यहाँ पे 90 चला गया, ये आ जाएगा 199, कैरी ओवर अगेन कितना चला गया? 90। लेकिन फर्स्ट पोजीशन की अब बात करो, फर्स्ट पोजीशन पे जीरो आ सकता है क्या? नहीं आ सकता है। 10th पोजीशन यूनिट प्लेस पे आ सकता था, 10th पे आ सकता था, 100th प्लेस पे भी आ सकता था, लेकिन अब फर्स्ट पे नहीं आ सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें फर्स्ट प्लेस को अलग से डील करना पड़ेगा। तो फर्स्ट प्लेस को अलग से डील करते हैं, यहाँ तक का तो सम ये आ रहा है, फर्स्ट प्लेस को डील करना है जगह। पहले इतना लिख लो, तुम लोग देखो इसको जल्दी। अब ये बताओ फर्स्ट प्लेस पे वन आ रहा है तो ऐसे कितने नंबर्स बनेंगे? 24। टू आ रहा है तो कितने बने? 24। थ्री आ रहा है ऐसे 24, एंड फोर आ रहा है ऐसे 24, मतलब उसका सम कितना आएगा? 240। तो 240 प्लस 19, 259, 259, 9980, ये उसका सम आएगा। ठीक है, तो ये हटा रहा हूं मैं, अभी लिख लिया है सभी लोगों ने ये इधर ऑनलाइन? यस सर। ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूँ। ये कहाँ तक की कहानी थी? बस 100 प्लेस तक की यही कहानी रहेगी।
कि यहाँ पे जीरो आ रहा होगा, मान लो 100 टेंथ प्लेस पे जीरो आ रहा है, ऐसे कितने नंबर बनेंगे? 24, 1 आ रहा है ऐसे 18, 2 आ रहा है ऐसे 18, लेकिन जब हम फर्स्ट पोजीशन की बात करते हैं, जब यहाँ पे 1 आ रहा है, जीरो तो नहीं आ सकता यहाँ पे, क्योंकि वो फोर डिजिट का नहीं बन पाएगा। जब 1 आ रहा है, ऐसे नंबर बनने वाले कितने? 24, क्योंकि 1 पहले पोजीशन पे फिक्स हो गया। अब इन तीनों को बिल करने के तरीके 24, फिर उसके बाद यहाँ पे 2 आ रहा है, ऐसे नंबर कितने बनेंगे? 24। यहाँ पे 3 आ रहा है, ऐसे कितने नंबर बनेंगे? 24। एंड यहाँ पे 4 आ रहा है, ऐसे कितने नंबर बनेंगे? 24। तो यहाँ पे 1 ऐड होगा 24 टाइम्स, 2 ऐड होगा 24 टाइम्स, 3 ऐड होगा 24 टाइम्स, एंड 4 ऐड होगा 24 टाइम्स। तो जो सम आएगा वो है 240, ठीक है। तो जो सम आएगा फर्स्ट प्लेस में जो आ रहे हैं उनका जो सम है वो 240 आ जाएगा। अब उसमें 19 ऐड करके वो सम लिख दो। ठीक है, क्लियर है सभी लोगों को ये? यस सर। जब भी जीरो आएगा उसमें फर्स्ट पोजीशन पे जो भी डिजिट्स आएंगे उनको हमें अलग से डील करना पड़ेगा। कॉम्बिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद दोनों के मिक्स क्वेश्चन देखेंगे, सिलेक्शन एंड परम्यूटेशन के। ठीक है, बता रहा हूं मैं ये, किसी में इसमें किसी को कोई डाउट? सिलेक्शन कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन इसी को सिलेक्शन भी कहेंगे। सिलेक्शन ऑफ आर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, सिलेक्शन ऑफ are distinct objects from n distinct objects, selection of r distinct objects from n distinct objects is given by ncr, is given by ncr, is given by ncr। एंड एनसीआर का जो फॉर्मूला है वो रहता है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, ये उसका फॉर्मूला रहेगा। अब ये यहाँ पे हम डिराइव भी कर सकते हैं लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। डिराइव करने के लिए जो हमने परम्यूटेशन का रिजल्ट देखा था एनपीआर, उससे ये फॉर्मूला हम ला सकते हैं और फिर इन दोनों में रिलेशन भी ला सकते हैं। तो रिलेशन ये आ जाता है वो भी लिख लेना, NPR is equal to होता है NCR into R factorial। NPR का हमें फॉर्मूला पता है, NCR का ये फॉर्मूला, तो वहां से इन दोनों में ये रिजल्ट आ जाएगा, रिलेशन आ जाएगा। सर हाँ बोलो सर, एक बार आप कॉम्बिनेशन का रिपीट कर सकते हो क्या? सिलेक्शन ऑफ R distinct objects from n distinct objects, selection of R distinct objects from n distinct objects, ठीक है। तो वो कहलाता है हमारा NCR और उसके लिए रिजल्ट क्या है ये है। इसके क्वेश्चन देख लेते हैं और यहाँ पे ध्यान रखना ये और ऑब्जेक्ट कैसे होने चाहिए डिस्टिंक्ट, और अगर आइडेंटिकल में से सेलेक्ट करना होता तो नंबर ऑफ पेयर्स कितने आ जाते? 1। मान लो हमारे पास n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है, उसमें से r आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं तो नंबर ऑफ पेयर्स आ जाएंगे
वन वो भी ऐड कर लो। अगर आइडेंटिकल रहता तो नंबर ऑफ प्लेस वन, कितने भी तुम ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करो एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है उसमें से वन सेलेक्ट करो एक तरीका, दो सेलेक्ट करो एक तरीका, यही है सिलेक्शन ऑफ आर आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट फ्रॉम नंबर ऑफ सिलेक्शन, नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ आर आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट फ्रॉम एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वन। Is equal to one. ठीक है, आइडेंटिकल में से सेलेक्ट करना है तो उसमें ये एनसीआर वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। एनसीआर वाला फॉर्मूला कब, जब डिस्टिंक्ट में से आर डिस्टिंक्ट सेलेक्ट करने हैं तब लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन लिखो इसके। There are 20 persons in a party and they handshake with each other by using right hand. They handshake with each other by using right hand and find the number of handshakes possible in the party. Twenty bola na maine party. 20 bola. Kaun sa repeat karna hai Tanisha? स्टेटमेंट ये था सिलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ आर आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स इज इक्वल टू वन। एंड ये जो क्वेश्चन है उसके लिए स्टेटमेंट ये है, देयर आर क्या था 20 पर्संस इन अ पार्टी and they handshake with each other by using right hand, then find the number of possible handshake. So 26 2, kyunki agar ek handshake hame wahan pe ye karna hai to kitne logo ki zarurat padti hai, do, par hamare paas kitne hai 20, to ye dekh lo 20 mein se do persons hame select karne padenge aur un do persons ke beech mein kitne handshake honge, ek तो इनटू में वन, तो इतने टोटल हैंडशेक होंगे उस पार्टी में। क्लियर हो रहा है ये? एक हैंडशेक के लिए हमें दो लोगों की जरूरत है, हमारे पास कितने लोग हैं वहां पे पार्टी में 20, तो हमें पहले 20 में से उन दो लोगों को सेलेक्ट करना पड़ेगा और उनके बीच में हैंडशेक कितने होंगे, एक। ठीक है, तो इसकी वजह से 26 2 × 1 इतने नंबर ऑफ हैंडशेक उस पार्टी में होंगे। तो इनटू 4 कर दे, एक का लेफ्ट, ऐसे कैसे भी ठीक है ना, प्रैक्टिकली तो ऐसे किया जा सकता है ना, तू लेफ्ट हैंड दे रहा मैं राइट हैंड यूज कर रहा, हो सकता है वो भी हैंडशेक ही माना जाएगा, घुमाना पड़ेगा हाथ पर से ऐसे, तो इसके लिए वो राइट हैंड। ठीक है, तब तो फिर दो है ना, लेफ्ट टू लेफ्ट राइट टू राइट, ये सारी वो मेंशन करके दिया रहेगा क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये क्लियर है सभी लोगों को? यस सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। There are 7 non-collinear points. There are 7
नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, सेवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, देन हाउ मेनी ट्राइंगल्स कैन बी फॉर्म, हाउ मेनी ट्राइंगल्स कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग दिस पॉइंट. 7C3 दिख रहा है ना, क्योंकि एक ट्राइंगल बनाना है. ये मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्राइंगल्स होंगे, ये ध्यान रखना. वहां पे ऐड भी कर लेना मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, ये वर्ड ऐड कर लेना वहां पे. ठीक है, मैक्सिमम वाला ऐड कर लो वहां पे वर्ड. फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्राइंगल्स. तो एक ट्राइंगल के लिए हमें तीन पॉइंट्स की जरूरत है. हमारे पास कितने पॉइंट्स है? चार, सात पॉइंट्स है. तो सात में से हमें तीन पॉइंट्स को क्या करना पड़ेगा? सेलेक्ट. तो सात में से तीन पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, उन तीन पॉइंट से कितने ट्राइंगल्स बनेंगे? एक. तो इतने टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स वहां पे बन जाएंगे. 7C3 क्लियर? क्लियर है ये? यस सर. नेक्स्ट, देखो अगले में. देयर आर फाइव कोलिनियर पॉइंट्स and there are five collinear points and four non collinear points. Five collinear points and four non collinear points. Then find the maximum number of triangles can be formed. Maximum number of triangles can be formed by using these points. By using these points, maximum number of triangles can be formed by using these points. अब थोड़ा सा सोचो यहाँ पे. पांच कोलिनियर है, मतलब वो पांचों एक ही लाइन के ऊपर है और चार स्कैटर्ड है स्पेस प्लेन में, नॉन कोलिनियर. हाँ, ऐसे केसेस बनाना है. थोड़ा सा उल्टा भी सोच सकते हो तुम लोग, उल्टे तरीके से जाओ. जो हम देखते ना, पहले टोटल निकाल लेंगे, उसमें से जो नहीं चाहिए होगा वो माइनस कर देंगे. वैसे भी जा सकते हो, सोचो. दोनों तरीके से आंसर निकालो, दोनों तरीके हमें सीखना है. और लिखो निर्मिति क्वेश्चन. देयर आर five collinear points. There are five collinear points and four non-collinear points. Four non-collinear points. Then find maximum number of triangles. Maximum number of triangles can be formed by using these points. By using these points. हाँ, बहुत बढ़िया मल्लार. आ गया उसका, जल्दी करो. सही है, 9C3 माइनस 5C3. बहुत बढ़िया. ये तो उल्टे तरीके से करना है, एक ही इससे आ गया. और अगर हम सीधा करने जाएंगे तो हमें तीन केसेस बनाने पड़ेंगे. तीन बनते मान लो, ये पांच कोलिनियर पॉइंट्स है, उनको एक ही लाइन के ऊपर ले रहे. एक, दो, तीन, चार, पांच. एक लाइन के ऊपर आएंगे और चार पॉइंट्स यहाँ पे नॉन कोलिनियर है, पहले वो यहाँ पे इस प्लेन में. ठीक है, तो पहले केसेस बना के करते हैं कि हम क्या कर रहे हैं. अभी इन चारों में से ही तीन पॉइंट सेलेक्ट करके ट्रायंगल बना रहे हैं. पॉसिबल हो सकता है वो ट्रायंगल, मतलब हम क्या कर रहे हैं अभी यहाँ पे, थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट. ठीक है, थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट को लेकर ट्रायंगल बना रहे. कितने बनेंगे? 4C3. फिर उसके बाद नॉन कोलिनियर में से दो पॉइंट ले रहे हैं एंड कोलिनियर में से एक पॉइंट ले रहे हैं, तो भी ट्राइंगल बनेगा, है कि नहीं? नॉन कोलिनियर में से दो ले रहे हैं, कोलिनियर में से एक ले रहे हैं, तो भी ट्राइंगल बनेगा. तो यहाँ पे दो पॉइंट्स ले रहे हैं नॉन में से एंड एक पॉइंट ले रहे हैं किसमें से? कोलिनियर वाले में से. ठीक है, यहाँ पे डबल एल होता है, क्या होता है?
कोलिनियर, तो ये कितना आ जाएगा, फोर में से दो लेने हैं तो फोर सी टू, एंड इन पांच में से एक लेना है तो फाइव सी वन, तो इतने ट्राइंगल्स बनेंगे इसकी हेल्प से। एंड बाद में ये हो सकता है कि एक नॉन कोलिनियर वाले में से ले एंड दो इसमें से ले तो भी ट्राइंगल बनेगा, तो एक लिया जाएगा यहाँ पे नॉन कोलिनियर में से एंड दो लिए जाएंगे कोलिनियर वाले में से, तो यहाँ पे आ जाएगा 4c1, नॉन कोलिनियर चार है एंड कोलिनियर कितने पांच, 5c2, तो इतने ट्राइंगल्स बनेंगे। ठीक है, ये तो हो गया केसेस बना के, लेकिन अगर हम उल्टा जाएंगे अभी हम क्या मान लेंगे, टोटल हमारे पास ये 9 पॉइंट्स है, तो 9 पॉइंट से कितने ट्राइंगल बन सकते थे, 9c3, लेकिन जब हम इन पांचों में से तीन पॉइंट लेके कोई चीज बनाने जाएंगे तो वो क्या बनेंगे, स्ट्रेट लाइन, हमें तो ट्रायंगल चाहिए था, तो ये केसेस हमें क्या करने पड़ेंगे, माइनस माइनस फाइव से थ्री, इस तरीके से भी आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसे केसेस बना के, दोनों मेथड क्लियर है क्या बताओ, दोनों में से किसी को कोई डाउट है, दोनों लिख लो, किसी में कोई डाउट है तो पूछ लो। यहाँ पे हमने क्या किया, इस मेथड में 9 पॉइंट थे, उससे कितने ट्राइंगल बन सकते थे, 93, लेकिन हमें गिवन है पांच कोलिनियर पॉइंट है, तो इन पांच में से तीन पॉइंट लेके अगर हम ट्राइंगल बनाने जाएंगे तो वो नहीं बन पाएगा, वो तो एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगी, तो वो वाला हमें माइनस करना पड़ेगा 5c3। ठीक है, तो दोनों लिख लो यहाँ पे, ये मेथड वन जिसमें केसेस बना के हमने किया है, मेथड टू जिसमें हमें उल्टे तरीके से अप्रोच किया, टोटल में से जो नहीं चाहिए वो माइनस कर दिया। ठीक है, अब तीन पॉइंट चाहिए उसके अकॉर्डिंगली हमें सोचना पड़ेगा, तीनों के तीनों कोलिनियर हो सकते हैं, तीनों के तीनों नॉन कोलिनियर, या तो इन चार में से दो लेके और इन पांचों में से एक लेके एक ट्राइंगल बन सकता है, ये वाली केस है ना, ये वाली केस। देखो अगला, देर आर नेक्स्ट क्वेश्चन, देर आर फोर स्ट्रेट लाइंस एंड फाइव सर्कल्स, देर आर फोर स्ट्रेट लाइंस एंड फाइव सर्कल्स, देन फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पॉसिबल बिटवीन देम, देन फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पॉसिबल बिटवीन देम, देर आर फोर स्ट्रेट लाइन एंड फाइव सर्कल्स, देन फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पॉसिबल बिटवीन देम। मैक्सिमम की बातें हो रही है, इनटू टू कर रहे हो ना, चार लाइन्स है पांच सर्कल्स है और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो लाइन लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, लाइन सर्कल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा एंड सर्कल सर्कल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, तो इतने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें मिल सकते हैं, और मैक्सिमम की बातें हो रही है मतलब हर कोई एक दूसरे के साथ क्या हो रहा होगा, इंटरसेक्ट हो रहा होगा। ठीक है, मतलब जैसे दो लाइन से एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद एक लाइन एक सर्कल एंड फिर उसके बाद दो सर्कल्स। ठीक है, तो ये बताओ अगर हम दो लाइंस की बात कर रहे हैं, दो लाइंस के बीच में कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वन। ठीक है, तो टोटल लाइंस कितनी हमारे पास, चार, तो चार में से दो लाइन सेलेक्ट कर ले, उनके बीच में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वन,
तो लाइन से इतने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, फिर उसके बाद एक लाइन और एक सर्कल कितने जगह पे इंटरसेक्ट करेंगे, दो, मैक्सिमम की बातें हो रही है, तो सर्कल एंड लाइन दो जगह पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब एक लाइन और एक सर्कल अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो इनके बीच में ये दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आते हैं, तो सर्कल एंड लाइन की हेल्प से इतने आ जाएंगे। एंड दो सर्कल्स की अगर बात करते हैं तो दो सर्कल भी कितने जगह पे इंटरसेक्ट करेंगे, दो, तो हमारे पास पांच सर्कल्स है, 5C2 तरीके से दो सर्कल सेलेक्ट कर लिए, इनके बीच में दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो मैक्सिमम इतने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे। ठीक है, ये ऊपर में डायग्राम भी बनाते जाओ, दो लाइन के बीच में एक ही आ सकता है, सर्कल एंड लाइन के बीच में दो, एंड दो सर्कल्स के बीच में दो। ठीक है, क्लियर है ये सर? हाँ बोलो सर। ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता क्या कि मतलब थ्री लाइंस हो गए और उनके इंटरसेक्शन में एक सर्कल, तो पॉइंट्स भी बढ़ जाएंगे ना? क्या हो जाएगा? तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स बढ़ सकते हैं ना सर, अगर थ्री लाइंस लेंगे और उनके इंटरसेक्शन में एक सर्कल? क्यों बढ़ेंगे? समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो सर। मतलब यहाँ हमने टू लाइन सिलेक्ट किए, हाँ। तो अगर हम थ्री लाइन सिलेक्ट करते और उनके और उनका इंटरसेक्शन एक सर्कल से करते तो वो पॉइंट्स भी बढ़ जाते ना? हाँ, वो तो सारे इंक्लूड हो रहे हैं ना यहाँ पे, ऐसी केस नहीं होगी क्या? हाँ, यहाँ पे केसेस सर, वो केस किसके अकॉर्डिंगली बनाया हमने? आवाज आ रही है क्या मेरी? यस सर। वैसे यहाँ पे लाइट गई है। हाँ तुम्हारा बता देता हूँ मैं, आवाज तो आ रही है ना? यस सर। दिख रहा है क्या अब बोर्ड? यस सर। हाँ ठीक है, तो जो केसेस हमने बनाए यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें किस तरीके से मिल सकते हैं उसके अकॉर्डिंगली, दो लाइन से मिल सकता है, एक लाइन एक सर्कल से मिल सकता है, दो सर्कल से मिल सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमने सोचा है। फिर अगर मान लो तुम तीन लाइंस लेना चाहते हो तो तीन लाइंस भी ले सकते हो, लेकिन उनमें कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे मैक्सिमम उसकी बात करनी पड़ेगी। ठीक है? यस सर। वो सारे केसेस नहीं लेने, इसमें क्या है कोलिनियर तो फिर मिनिमम हो जाएंगे, मैक्सिमम आ ही नहीं पाएगा कभी, ओवरलैपिंग भी नहीं है, डिस्टिंक्ट लाइंस है, डिस्टिंक्ट वर्ड भी ऐड कर लेना फिर चाहो तो वहां पे, फोर डिस्टिंक्ट लाइंस एंड डिस्टिंक्ट सर्कल्स, पर मैक्सिमम है, इसका मतलब वो पैरेलल तो हम नहीं ले सकते, क्योंकि अगर ओवरलैपिंग ले ली तो कितने आ जाएंगे, इनफाइनाइट आ जाएंगे, पैरेलल ले ली तो जीरो आ जाएंगे, इसके वजह से डिस्टिंक्ट मतलब वो ओवरलैप तो नहीं करेगी, एंड मैक्सिमम की बातें हो रही है इसका मतलब पैरेलल भी नहीं हो सकती, इंटरसेक्ट करना ही पड़ेगा, तो वहां पे डिस्टिंक्ट लाइंस एंड डिस्टिंक्ट सर्कल्स। ठीक है, नेक्स्ट देखो, फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ फाइव बॉयज एंड फोर गर्ल्स, कमिटी ऑफ 6 persons is selected. Committee of 6 persons is selected and find the number of ways by which it can be done. Find the number of ways by which it can be done. Such that first part mein hai no restriction.
सेकेंड पार्ट में है गर्ल्स आर इन मेजॉरिटी, फिर उसके बाद एटलीस्ट टू बॉयज आर देयर इन द कमिटी, टू बॉयज आर देयर, फिर उसके बाद थ्री बॉयज एंड थ्री गर्ल्स आर देयर इन द कमिटी, फिर फिफ्थ पार्ट में लिखते जाओ मैं, थ्री बॉयज एंड थ्री गर्ल्स आर देयर इन द कमिटी, फिर फिफ्थ में मैं लिख लेना, चलो ठीक है इतना तो कर लो, बाद में आगे देखते इसका, इतना लिखो पहले। हाँ, बाद में कर दो, पहले इतना तो सॉल्व करो, ये समझ लेते पहले। हो गया, वो सबसे पहले वाले का क्या आंसर, पांच बॉयज है फोर गर्ल्स है, ठीक है, हमें छह पर्सन की कमिटी बनानी है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो पहले टोटल पर्सन कितने यहाँ पे नौ है, उसमें से हमें छह चाहिए होंगे, तो नाइन सी सिक्स पहले का आंसर, दूसरे में गर्ल्स आर इन मेजोरिटी, तो जो छह मेंबर्स की कमिटी है गर्ल्स मेजोरिटी में, मतलब गर्ल्स का नंबर क्या क्या हो सकता है, चार हो सकता है, तब केसेस बनाते हैं, चार गर्ल्स दो बॉयज, देख लो गर्ल्स मेजोरिटी में, फिर उसके बाद पांच गर्ल्स, लेकिन ये पॉसिबल होगा क्या, नहीं हो पाएगा, एक ही केस बनेगी जिसमें गर्ल्स क्या रहेंगे, मेजोरिटी में रहेंगे, यही एक केस वो बनेगी जिसमें चार गर्ल्स एंड दो बॉयज, अगर हम इसके नीचे भी जाते थ्री गर्ल्स थ्री बॉयज तो मेजोरिटी में तो नहीं बोल सकते, तो यही एक पॉसिबिलिटी है, चार गर्ल्स हैं दो बॉयज, तो हमारे पास चार गर्ल्स हैं, उसमें से चार गर्ल्स हमें चाहिए, तो फोर सी फोर, हमारे पास पांच बॉयज है उसमें से कितने चाहिए दो, तो इतनी वो कमिटी बन सकती है जिसमें गर्ल्स मेजोरिटी में रहेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ये तो हो गया फर्स्ट का, ये सेकेंड का हो गया, अब एटलीस्ट टू बॉयज आर देयर इन द कमिटी, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, केसेस दो बॉयज चार गर्ल्स, फिर उसके बाद तीन बॉयज तीन गर्ल्स, चार बॉयज दो गर्ल्स एंड पांच बॉयज एक गर्ल, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं आएगी, उल्टा भी जा सकते हो, टोटल में से कौन सा माइनस कर देंगे, एक बॉय टोटल में से माइनस करने के लिए कुछ बचेगा क्या, एक बचेगा ना पांच बॉयज वाला, सॉरी कुछ बचेगा ही नहीं, वही 96 से आने वाला, इससे भी आंसर 96 भी लिख सकते थे डायरेक्ट, अगर तुम सोच पा रहे हो तो, ये क्योंकि क्या था, हमें एटलीस्ट टू बॉयज चाहिए थे वहां पे, तो ये तो पॉसिबिलिटीज आएगी,
अगर हम मान लो टोटल में से किसी को माइनस करना चाहते हैं तो माइनस करने के लिए क्या क्या चांसेस हो सकते थे कि एक बॉय देन पांच गर्ल वाला माइनस कर दे, लेकिन पांच गर्ल वाली तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं, चार ही गर्ल से हमारे पास। या तो माइनस ये कर सकते थे छह बॉयज एंड जीरो गर्ल, इसे ये कहाँ माइनस करेंगे, माइनस तो बस ये यही किया जा सकता था, या तो जीरो बॉयज एंड छह गर्ल्स, तो ये तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो डायरेक्टली 936 भी लिख सकते थे, ऐसे लिख रहे हैं इसमें दो बॉय चार गर्ल्स, तो 5C2 × 4C4, फिर उसके बाद 5C3 × 4C3, 5C4 × 4C2 एंड 5C5 × 4C1, तो इतनी वो कमिटीज बनेगी जिसमें एटलीस्ट दो बॉयज रहेंगे, और इसको आंसर तुम 996 भी लिख सकते हो, 966 कैसे आएगा, क्लियर है ये 966, ठीक है। टोटल में से कौन सा माइनस करना पड़ेगा 96 में से, जिसमें एटलीस्ट टू बॉयज नहीं आ रहे, मतलब एक बॉय पांच गर्ल्स, लिखने के लिए तो लिख लेते हैं इसको माइनस जीरो बॉय सिक्स गर्ल्स, लेकिन हमारे पास गर्ल्स ही कितनी है चार है, तो ये केस भी नहीं बन पाएगी और ये भी नहीं बन पाएगी, तो फाइनल आंसर कितना आएगा, यही आ जाएगा 966। तो ये थर्ड में तुम ऐड कर सकते हो इसको भी मेथड टू के फॉर्म में, ठीक है, मेथड टू। और फोर्थ का थ्री बॉयज थ्री गर्ल्स, ये आसान था बहुत, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 5C3 × 4C3। तो किसी को कोई डाउट इसमें, डाउट है तो पूछ सकते हो किसी भी पार्ट में, चार पार्ट है तो किसी में भी डाउट है तो पूछ लो। ये अगला जाते हैं हम रेस्ट्रिक्टेड कॉम्बिनेशन के ऊपर, तो इसीलिए आगे के पार्ट्स मैंने नहीं दिए, वो रेस्ट्रिक्टेड कॉम्बिनेशन के पार्ट्स है, हेडिंग तो डाल दो समझ में आ जाएगा। रेस्ट्रिक्टेड कॉम्बिनेशन, रेस्ट्रिक्टेड कॉम्बिनेशन, रेस्ट्रिक्टेड कॉम्बिनेशन, रेस्ट्रिक्टेड कॉम्बिनेशन में पहला स्टेटमेंट लिखो, इफ वी हैव टू सेलेक्ट आर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स such that particular p number of objects are always included। फिर से एक बार पढ़ रहा हूं स्टेटमेंट, इफ वी हैव टू सेलेक्ट आर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स सच दैट पर्टिकुलर पी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर ऑलवेज इंक्लूडेड, तो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, रिजल्ट क्या रहेगा उसके लिए सोचो, और माइनस पी, क्योंकि हमारे पास अभी कितने टोटल एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है, हमें कितने चाहिए आर चाहिए, मान लो ये यहाँ पे लिख रहा हूँ डिस्टिंक्ट है, इससे ही समझ लो, ठीक है, ये टोटल की अगर बात करते हैं तो एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है वो पूरे, उसमें से हमें आर चाहिए होंगे, आर चाहिए, उसमें से भी ये जो पर्टिकुलर पी है ये हमेशा इंक्लूडेड है, हमेशा चाहिए होंगे हमें पर्टिकुलर पी, तो यही पी है वो, ठीक है,
तो ये p हमें हमेशा चाहिए होंगे, और हमें टोटल कितने सेलेक्ट करने थे r, ये हमेशा आ रहे हैं, कितने आने बाकी है अभी r माइनस p, r माइनस p अभी आने बाकी है ना, p तो हमेशा इंक्लूडेड है, टोटल r सेलेक्ट करने थे मतलब और r माइनस p आने बाकी है कितने में से, n माइनस p में से, क्योंकि ये p तो ऑलरेडी आ चुके हैं, तो टोटल बचे कितने हैं n माइनस p, इसमें से और कितने आने बाकी है r माइनस p, तो इसके लिए जो रिजल्ट रहेगा n माइनस p c r माइनस p, ये क्लियर है, इधर क्लियर है क्या सभी लोगों को, समझो हमारे पास टोटल है n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, उसमें से हमें चाहिए r, और बोला जा रहा है कि पर्टिकुलर p हमेशा इंक्लूडेड रहेंगे, मतलब ये ऑब्जेक्ट्स तो ये पर्टिकुलर p ऑब्जेक्ट्स हमेशा आएंगे ही, टोटल चाहिए थे r, r चाहिए थे तो कितने आने बाकी है r माइनस p, कितने में से n माइनस p में से, तो ये रेस्ट्रिक्टेड कॉम्बिनेशन बोला जाता है इसे, ठीक है। अगले में इफ वी हैव टू सेलेक्ट n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, इफ वी हैव टू सेलेक्ट n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स from r distinct objects, if we have to select r distinct objects from n distinct objects such that particular p number of objects, particular matlab wahi particular, theek hai, particular p number of objects are never included n minus p c r, क्योंकि ये total n objects है, उसमें से हमें particular p कभी नहीं चाहिए, तो ये तो select करने नहीं है, है ना, ये तो हटा देंगे, बचे कितने n minus p, उतने में से कितने select करने बाकी है r, तो n minus p c r, ठीक है, तो ये दोनों results clear है, एक में पर्टिकुलर पी चाहिए होंगे तो क्या होगा, इन पर्टिकुलर पी नहीं चाहिए तो क्या होगा, तो लिखो फिर क्वेश्चन, अब यही क्वेश्चन है, देयर आर फाइव बॉयज एंड, चलो थोड़ा चेंज कर लेते हैं, फाइव बॉयज एंड फाइव गर्ल्स कर लेते हैं, देयर आर फाइव बॉयज अच्छा, इसके पहले वाला रिजल्ट ये था n माइनस पी सी आर माइनस पी, क्वेश्चन ये है, देयर आर फाइव बॉयज एंड फाइव गर्ल्स एंड वी हैव टू फॉर्म कमिटी ऑफ सिक्स मेंबर्स, committee of six members such that first part mein there are three boys and there are three boys and three girls in the committee, three boys and three girls in the committee, second part mein one particular boy and particular girl, one particular boy and particular girl is always included, one particular boy and particular girl is always included, third part mein
देर आर थ्री बॉयज एंड थ्री गर्ल्स इन द कमिटी such that one particular girl is always included फिर उसके बाद फोर्थ में there are three boys and three girls in the committee such that one particular boy and particular girl is never included last part is the there are three boys and three girls in the committee three boys and three girls in the committee such that one particular boy and particular girl refuse to work together कोई काम करने के लिए बनाई जा रही कमेटी उसमें एक पर्टिकुलर बॉय एंड पर्टिकुलर गर्ल क्या कह रहे हैं हमें एक साथ काम नहीं करना है तो नंबर ऑफ पेज चाहिए उसके फाइंड आउट तो सारे पार्ट्स को लिख लिया ना इसके चलो पहला अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे रेस्ट्रिक्टेड के हैं क्वेश्चन क्या होगा तेरे आंखों यार बैठे बैठे क्या जा रहा है हो गया सर पहले का तो आ ही गया होगा सभी लोगों का 5C3 × 5C3 क्योंकि हमें उसमें क्या चाहिए तीन बॉयज एंड तीन गर्ल्स हमारे पास बॉयज है 5 गर्ल्स भी है 5 ठीक है और हमें 6 मेंबर्स की कमेटी बनानी जिसमें 3 बॉयज 3 गर्ल्स तो वो आ जाएगा 5C3 तरीके से 3 बॉयज एंड 5C3 तरीके से 3 गर्ल्स तो इतने तरीके से वो कमेटी बनेगी अगले में क्या है अगले वाले में वन पर्टिकुलर बॉय एंड पर्टिकुलर गर्ल इज ऑलवेज इंक्लूडेड मतलब कितने मेंबर्स इंक्लूड हो चुके ऑलरेडी दो वो जो 6 मेंबर्स की कमिटी है उसमें 2 मेंबर्स ऑलरेडी इंक्लूड हो चुके हैं और कितने आने बाकी है 4 कितने में से 8 में से तो इसका जो आंसर आएगा सेकंड का 8C2 क्लियर 8C4 क्योंकि हमारे पास टोटल 10 मेंबर्स है यहाँ पे क्या बोला जा रहा है सेकंड पार्ट में वन पर्टिकुलर बॉय एंड पर्टिकुलर गर्ल वही पर्टिकुलर are always included मतलब वो दो मेंबर सेलेक्ट हो चुके ऑलरेडी
और कितने आने बाकी है, चार, कितने में से, आठ में से, तो एट सी फोर तरीके से वो आ जाएंगे। तो इधर कितने लोगों का आ गया था सेकंड, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड पार्ट इसमें क्या था, थ्री बॉयज थ्री गर्ल्स, उसमें भी क्या है, वन पर्टिकुलर बॉय इज ऑलवेज इंक्लूडेड, वन पर्टिकुलर गर्ल इज ऑलवेज इंक्लूडेड, मतलब छह मेंबर की कमिटी तो बनानी है, उसमें क्या हो रहा है, एक जो पर्टिकुलर बॉय चाहिए तो वो आ ही रहा है, एक गर्ल आ रही है, और कितने बॉयज आने बाकी है, दो बॉयज, क्योंकि हमें तीन बॉयज तो वहां पे चाहिए, कितनी गर्ल्स आने बाकी है, दो गर्ल्स आने बाकी है, दो बॉयज कितने में से आने बाकी है, चार, और दो गर्ल्स कितने में से आने बाकी है, चार। तो इतने तरीके से वो कमेटी बनेगी जिसमें वन पर्टिकुलर बॉय एंड पर्टिकुलर गर्ल रहेंगे एंड तीन बॉयज एंड तीन गर्ल्स भी रहेंगे। ये कितने लोगों का आ गया था, पहले तो क्या करना, इस क्वेश्चन में तीन बॉयज एंड तीन गर्ल्स ये चाहिए इसके बारे में सोचेंगे, उसमें से भी एक पर्टिकुलर बॉय एंड पर्टिकुलर गर्ल हमें चाहिए, इसका मतलब एक बॉय एक गर्ल आ चुकी है, और कितने बॉयज आने बाकी है, दो, चार में से, एंड दो गर्ल्स आनी बाकी है चार में से, इतने तरीके से वो सेलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद जो फोर्थ है उसमें क्या है, वन पर्टिकुलर बॉय पर्टिकुलर गर्ल आर नेवर इंक्लूडेड, मतलब अब हमारे पास बॉयज कितने बचे, चार, कितने आने बाकी है, तीन, कमिटी तो छह की बनानी जिसमें तीन बॉयज एंड तीन गर्ल्स होनी चाहिए थी, तो 4C3 × 4C3 ये उसका आंसर रहेगा। एंड देन फिफ्थ में क्या है, रिफ्यूज टू वर्क टुगेदर, क्या होगा उसका आंसर, केसेस बनाने पड़ेंगे, यहाँ पे केसेस भी बनाने पड़ेंगे या तो उल्टा जाना पड़ेगा, कैसे किया है तुम लोगों ने केसेस बना के, तो केसेस देखो क्या बनते हैं, अगर हम तीन बॉयज एंड तीन गर्ल्स को सेलेक्ट कर रहे हैं, यही कमिटी बनानी तीन बॉयज एंड तीन गर्ल्स की, अब वन पर्टिकुलर बॉय एंड पर्टिकुलर गर्ल के अकॉर्डिंगली केसेस बनेंगे, तो वो जो वन पर्टिकुलर बॉय एंड पर्टिकुलर गर्ल है जो हम कमिटी बनाएंगे उसमें दोनों के दोनों प्रेजेंट हो सकते हैं, ये एक पॉसिबिलिटी है कि नहीं, पॉसिबिलिटी, जैसे मान लो हम ये लिख रहे हैं 5C3 × 5C3, ये जो आंसर हमने लिखा है तीन बॉयज एंड तीन गर्ल्स के सिलेक्शन का, उसमें क्या क्या हो सकता है, पर्टिकुलर बॉय एंड पर्टिकुलर गर्ल दोनों के दोनों इंक्लूड रह सकते हैं, फिर उसके बाद ये हो सकता है कि पर्टिकुलर बॉय प्रेजेंट है गर्ल प्रेजेंट नहीं है, ये भी हो सकता है कि ये प्रेजेंट नहीं है ये प्रेजेंट है, या तो ये भी हो सकता है कि दोनों के दोनों प्रेजेंट नहीं है, तो ये जो 5C3 × 5C3 आंसर है किसका, तीन बॉयज एंड तीन गर्ल्स का, तो उसमें पर्टिकुलर बॉय एंड पर्टिकुलर गर्ल के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो ये चार पॉसिबिलिटीज आती है जो कि इसमें प्रेजेंट है, हमें कौन सी नहीं चाहिए, पहली वाली हमें नहीं चाहिए, मतलब जिसमें पर्टिकुलर बॉय एंड पर्टिकुलर गर्ल इंक्लूडेड है, टोटल में से किसको माइनस कर देंगे, फिर जब पर्टिकुलर बॉय एंड पर्टिकुलर गर्ल इंक्लूडेड, मतलब ये वाला आंसर, ये क्लियर है क्या, या तो एक काम करो इन तीनों का एडिशन करके लिख सकते हो केसेस बना के, दोनों तरीके से जा सकते हो, ठीक है सर। हाँ सर, ए फिफ्थ वाला बता सकते हो सर आप फिर से, फिफ्थ में क्या है, हमें तो तीन बॉयज चाहिए हमें तीन गर्ल्स चाहिए, तो वो कितने तरीके से आ सकते हैं, 5C3 × 5C3, अब वन पर्टिकुलर बॉय एंड पर्टिकुलर गर्ल के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो ये जो 5C3 × 5C3 आंसर है उसमें वो पर्टिकुलर बॉय एंड पर्टिकुलर गर्ल दोनों के दोनों हो सकते हैं, या तो ऐसा भी हो सकता है कि पर्टिकुलर बॉय प्रेजेंट है गर्ल प्रेजेंट नहीं है, वो भी इसमें पॉसिबिलिटीज आ जाएगी, फिर ऐसा भी हो सकता है कि पर्टिकुलर बॉय नहीं है लेकिन गर्ल प्रेजेंट है, वो भी आंसर इसमें इंक्लूडेड है,
एंड दोनों के दोनों नहीं है वो भी आंसर इसमें इंक्लूडेड है, पर हमें यहाँ पे क्या चाहिए था, पर्टिकुलर बॉय एंड गर्ल रिफ्यूज टू वर्क टूगेदर, मतलब एक साथ काम नहीं करने चाहिए, तो बस वो एक ही केस में एक साथ काम करते हुए दिख रहे हैं, ये पहली वाली केस, बाकी तीनों में तो वो एक साथ काम नहीं कर रहे हैं। तो इसके वजह से टोटल में से अगर हम इसका आंसर माइनस कर देते हैं जिसमें पर्टिकुलर बॉय एंड पर्टिकुलर गर्ल इज इंक्लूडेड, तो हमें क्या मिल जाएगा, रिफ्यूज टू वर्क टूगेदर वाला आंसर। ठीक है, क्लियर? यस सर, यस सर, थैंक यू सर। फिर केसेस बनाओ, केसेस क्या बनाओगे, पर्टिकुलर बॉय प्रेजेंट है, गर्ल प्रेजेंट नहीं है, फिर उसके बाद बॉय प्रेजेंट नहीं है, गर्ल प्रेजेंट है, या दोनों के दोनों प्रेजेंट नहीं है, ऐसे केसेस बनाओ और आंसर लिख लो, वहां से भी आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया रेस्ट्रिक्टेड कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन। तो इसमें किसी को कोई डाउट? एक बार समझो इसको, लास्ट वाला जो पार्ट है उसको दोनों तरीके से सॉल्व करके देखना। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। हाँ ये बताओ, चेस बोर्ड में कितने स्क्वेयर्स एंड कितने रेक्टेंगल्स होते हैं, पता है क्या तुम लोगों को? 16 स्क्वेयर्स नहीं रहे, स्क्वेयर्स तो बहुत ज्यादा होते हैं, 64 वो ज्यादा होते हैं स्क्वेयर्स, वो तो 1-1 सेंटीमीटर के बता रहे हो ना तुम, छोटे छोटे, ऐसे भी तो 4 का बन के एक स्क्वेयर बन सकता है ना। हाँ कितने आते हैं नहीं पता? स्क्वेयर्स के लिए, हाँ सही है वो, रेक्टेंगल्स। ठीक है लिखो, वो भी कर लेते हैं क्वेश्चन, अभी ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं कुछ। हाउ मेनी रेक्टेंगल्स एंड स्क्वेयर्स आर प्रेजेंट, हाउ मेनी रेक्टेंगल्स एंड स्क्वेयर्स आर प्रेजेंट, how many rectangles and squares are present in a grid of chessboard, grid of chessboard, so chessboard ki grid hai matlab wahan pe kitni vertical lines, 9 vertical line, 9 hoti lines, you know lines ki baat kar raha hu main, 9 vertical lines and 9 horizontal lines hoti hai, to usme rectangles kitne honge and squares kitne honge wo hame chahiye, तो देख लो, देख लो यहाँ पे पहले चेस बोर्ड बना लेते हैं, उसमें 9 वर्टिकल लाइंस, 9 हॉरिजॉन्टल लाइंस, 1 2 3, ठीक है ये वर्टिकल लाइंस हो गए, ये चेस बोर्ड बन गया यहाँ पे। ठीक है, तो अब इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर ऑफ रेक्टेंगल की, तो ये बताओ क्या यहाँ पे एक रेक्टेंगल है, फिर उसके बाद ये बताओ क्या इस पूरे को भी एक हम रेक्टेंगल बोल सकते हैं, ठीक है इसको भी एक रेक्टेंगल बोल सकते हैं, है कि नहीं? ऐसे बहुत सारे रेक्टेंगल बनेंगे यहाँ पे, तो हम लेकिन किसी भी रेक्टेंगल की बात करते हैं तो हमें दो वर्टिकल लाइंस एंड दो हॉरिजॉन्टल लाइंस की जरूरत होगी क्या? किसी भी रेक्टेंगल की बात करो तुम, कोई भी रेक्टेंगल ले लो, इसमें ऐसे मान लो कोई बोलेगा मुझे तो ये रेक्टेंगल लेना, ले लो, तो उसमें हमें कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए ये दो, और कितनी वर्टिकल लाइन चाहिए ये दो, अगर कोई बोलेगा ये वाला रेक्टेंगल चाहिए तो हमें अब ये दो हॉरिजॉन्टल लाइंस और ये दो वर्टिकल लाइंस लेनी पड़ेगी, मींस अगर हम दो वर्टिकल लाइंस एंड दो हॉरिजॉन्टल लाइंस लेते तो हमें कितने रेक्टेंगल्स मिलते हैं, एक, ये क्लियर हो रहा है क्या? कोई भी दो वर्टिकल लाइंस ले लो एंड दो हॉरिजॉन्टल लाइन, उनकी हेल्प से हमें एक रेक्टेंगल मिलने वाला है। मान लो कोई बोल रहा है कि मुझे ये दो हॉरिजॉन्टल लाइंस वर्टिकल लाइंस लेनी है, ये दो एंड ये दो हॉरिजॉन्टल लाइंस लेनी है, ये दो वर्टिकल लाइंस एंड
ये दो हॉरिजॉन्टल लाइंस, तो इन दोनों की हेल्प से कौन सा रेक्टेंगल बन रहा है? ये वाला रेक्टेंगल बन रहा है। मीन्स यहाँ पे कोई भी दो हॉरिजॉन्टल एंड दो वर्टिकल लाइन से हमें एक रेक्टेंगल मिलता है, मतलब टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितने आ जाएंगे? 9 × 2 × 9 × 2 × 1 = 2 vertical, 1 rectangle के लिए 2 vertical and 2 horizontal lines की जरूरत है हमारे पास। 8 बोर्ड की ग्रिड है, मतलब 9 vertical lines है, 9 horizontal lines है, तो 9 में से 2 horizontal lines हमें select करनी पड़ेगी, 2 vertical lines, तो उनसे कितने rectangles 8, तो इतने total number of rectangles है। ठीक है, लिख लो यहाँ पे इसको rectangles, number of rectangles। इधर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो इसमें नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स में। अगर हम किसी भी रेक्टेंगल की बात करते हैं तो हमें दो वर्टिकल एंड दो हॉरिजॉन्टल लाइंस चाहिए, तो उसी के अकॉर्डिंगली सोचा तो यहाँ पे 9 vertical lines थी एंड 9 horizontal lines थी, तो 9 में से 2 horizontal lines सेलेक्ट कर ली, 9 vertical में से 2 vertical lines सेलेक्ट कर ली, तो एक रेक्टेंगल, तो टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल इतने। लेकिन अब स्क्वेयर में तो ऐसा नहीं हो सकता, स्क्वेयर के लिए तो कुछ और करना पड़ेगा। स्क्वेयर में क्या होना चाहिए? साइड लेंथ इक्वल इसकी होनी चाहिए। क्या करेंगे, क्या करें बताओ स्क्वेयर के लिए? मतलब हमें ऐसी वर्टिकल लाइंस लेनी पड़ेगी, दो वर्टिकल लाइंस है, दो हॉरिजॉन्टल लाइंस, जिनके बीच का गैप क्या आ रहा होगा? सेम। स्क्वेयर के लिए भी वर्टिकल चाहिए, दो वर्टिकल लाइंस चाहिए, दो हॉरिजॉन्टल लाइंस चाहिए, लेकिन कैसी वर्टिकल लाइंस एंड कैसी हॉरिजॉन्टल लाइंस जिनके बीच का गैप सेम आ रहा है, जिनके बीच का गैप सेम आ रहा है, तो सोचो, सोचो पैटर्न तो तुम्हें चलो पता है, 1 square 2 square आता कहां से? वो कैसे वो बताओ ना। हाँ यहाँ पर देख लो, ये रेक्टेंगल का समझ में आ गया क्या इधर ऑनलाइन? यस सर, आ गया ना। एक रेक्टेंगल के लिए दो वर्टिकल एंड दो हॉरिजॉन्टल लाइंस चाहिए, तो वो सेलेक्ट कर ले तो इतने रेक्टेंगल्स आ जाते हैं। अब स्क्वायर की बात करते हैं, तो स्क्वायर के लिए क्या चाहिए? उसके लिए भी हमें दो वर्टिकल दो हॉरिजॉन्टल लाइंस, लेकिन सेम गैप की। तो सबसे पहले दो वर्टिकल लाइंस के बीच का मिनिमम गैप कितना होगा? मान लो 1 centimeter, ये है ना, दो लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस है 1 centimeter का है, तो मिनिमम डिस्टेंस गैप कितना होगा 1 centimeter का। तो ऐसे वर्टिकल लाइंस के कितने पेयर मिलेंगे हमें? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आठ पेयर मिलेंगे वर्टिकल लाइंस के, जिनके बीच का गैप कितना रहेगा? 1। और हॉरिजॉन्टल के कितने मिलेंगे पेयर? 8। तो उन पेयर में से अगर तुम एक पेयर को सेलेक्ट करते हो वर्टिकल वाले में से भी और हॉरिजॉन्टल वाले में से, तो कितने स्क्वेयर मिलते हैं? 1। ये देख लो, मान लो हम ये वाला, ये वर्टिकल लाइंस की पेयर सेलेक्ट कर ले, कर रहे हैं, ठीक है, ये वर्टिकल लाइंस की पेयर एंड ये हॉरिजॉन्टल लाइंस की पेयर, तो उसके थ्रू हमें ये वाला स्क्वायर मिलेगा। और हम वर्टिकल लाइंस की पेयर कैसी सेलेक्ट कर रहे हैं? जिनके बीच का गैप है 1 centimeter, एंड हॉरिजॉन्टल की भी ऐसी पेयर सेलेक्ट कर रहे हैं जिनका बीच का गैप कितना है? 1 centimeter। तो 1 centimeter साइड लेंथ के कितने स्क्वायर आएंगे? 8c1 × 8c1। पेयर वाइज काम करना है यहाँ पे हमें, 1 centimeter गैप के पेयर ढूंढेंगे हम वर्टिकल के हॉरिजॉन्टल के, तो वर्टिकल के 8 पेयर, 1, 2, 3, 4, 5, 8, एंड हॉरिजॉन्टल के भी 8 पेयर, तो हमें वर्टिकल की एक पेयर चाहिए होगी एंड हॉरिजॉन्टल की एक पेयर चाहिए होगी, वहां से एक रेक्टेंगल स्क्वायर आएगा इस कौन सी साइड लेंथ का? 1 centimeter वाली। फिर उसके बाद जो वर्टिकल लाइंस की पेयर है, गैप 2 centimeter का भी हो सकता है, मिनिमम से शुरुआत कर रहे हैं, तो 2 centimeter का गैप है, ऐसे कितने पेयर मिलते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 पेयर यहाँ पर भी देख सकते हो, एक ये वाली पेयर इनके बीच का गैप कितना है? 2 centimeter का, दूसरी ये वाली पेयर, 3, 4, 5, 6, 7, तो ऐसे 7 पेयर है, एंड हॉरिजॉन्टल के भी कितने आ जाएंगे? 7,
तो हमें हॉरिजॉन्टल में से एक पेयर चाहिए हो गया, वर्टिकल में से एक पेयर, तो जो स्क्वायर आएगा उसकी साइड लेंथ क्या रहेगी, 2 सेंटीमीटर, तो 7c1 × 7c1, तो यहां से जो स्क्वायर्स आने वाले हैं उसकी साइड लेंथ है 2 सेंटीमीटर। फिर ऐसे ही जब हम 3 के गैप की बात करते हैं तो ऐसी वर्टिकल लाइंस की पेयर जिनके बीच का गैप 3 सेंटीमीटर 6, एंड ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइंस जिनके बीच का गैप 3 सेंटीमीटर 6, तो हमें एक एक गैप चाहिए होंगे, तो ये 6c1 ऐसे करते चलेंगे कहां तक, ऐसी वर्टिकल लाइन जिनके बीच का गैप 8 एंड हॉरिजॉन्टल लाइन जिनके बीच का गैप 8, ऐसी एक ही पेयर आती है, तो यह आ जाएगा 1c1 × 1c1, यह आ जाएगा 8 × 8 प्लस 7 × 7 6 × 6 फाइनली 1 × 1, ये 8 स्क्वेयर प्लस 7 स्क्वेयर टू 1 स्क्वेयर, तो आ जाएगा 4 × कितना आ जाएगा, ये 4 × 2, हाँ भाई 204 आ जाता है, 204। ये तो चेस बोर्ड की ग्रिड थी, ऐसे ही कोई और ग्रिड भी रह सकती है जिसमें वर्टिकल लाइंस का नंबर कुछ अलग रहेगा, हॉरिजॉन्टल का नंबर कुछ अलग रहेगा, कंसेप्ट लेकिन यही लगाना है। रेक्टेंगल की बात हो रही है तो कितना, 2 वर्टिकल लाइंस होनी चाहिए, 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस, लेकिन जब स्क्वेयर की बात हो रही होगी उसमें भी वही चाहिए, लेकिन गैप सेम होना चाहिए उनके बीच का, तो इसकी वजह से इसमें पेयर वाइज काम करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइंस की पेयर एंड वर्टिकल लाइंस की पेयर, ऐसी पेयर जिनके बीच का गैप सेम है वो सेलेक्ट करते हुए चलेंगे। अब इसका एरिया पूछा जाएगा, क्या आएगा स्क्वेयर्स का एरिया, तो जैसे ये 64 स्क्वेयर्स बन रहे, साइड लेंथ क्या है 1 सेंटीमीटर, तो 64 इंटू क्या करना पड़ेगा 1 स्क्वेयर, ये 7 स्क्वेयर बन रहे स्क्वेयर, साइड लेंथ क्या है 2, तो 7 स्क्वेयर इंटू क्या करना पड़ेगा 2 स्क्वेयर, तो इस तरीके से उनको हमें क्या मिल जाएगा, एरिया भी मिल जाएगा, ठीक है। नंबर्स है, एरिया थोड़ी है, ये नंबर्स है कितने स्क्वेयर्स बनते हैं, एरिया अगर चाहिए तो फिर वो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना हमें साइड लेंथ के स्क्वेयर से, ये तो नंबर्स है, ये 64 कौन से स्क्वेयर्स है जिनकी साइड लेंथ 1 सेंटीमीटर, 49 कौन से स्क्वेयर से जिनकी साइड लेंथ 2 सेंटीमीटर है, तो फिर उसके एरिया से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वहां पे, तो 204। ये क्लियर है क्या इधर ऑनलाइन? यस सर। एक मैं ग्रीड दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, या अभी सॉल्व करो उसको, 4 मिनट है तो बन भी जाएंगे। तो ग्रीड में अपने नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस कम कर दे रहा हूँ, आंसर सभी लोगों से आना चाहिए। तो इसमें नंबर ऑफ स्क्वेयर्स, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स हमें चाहिए, नंबर ऑफ स्क्वेयर्स एंड नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। तो मतलब पार्ट ये है नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, फिर उसके बाद नंबर ऑफ स्क्वेयर्स, नंबर ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ ऑड साइड लेंथ, और इसमें एक पॉइंट ऐड कर लेना क्वेश्चन में, जो वर्टिकल लाइंस हैं 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस के बीच का गैप कितना है 1 सेंटीमीटर है, वो वहां पे ऐड कर लेना, ऐसे कर लेना, ये 2 वर्टिकल लाइंस के बीच का गैप 1 सेंटीमीटर, 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस के बीच का गैप 1 सेंटीमीटर, ताकि फिर वो एरिया निकालने में हेल्प होगी उसकी।
अच्छा 55 स्क्वायर बोल रहा है, रेक्टेंगल्स कितने आएंगे? 7C2 × 6C2, क्योंकि यहाँ पे देखो वर्टिकल लाइंस कितनी है, 7 भाई, वर्टिकल 6 ना, हॉरिजॉन्टल 7 है, तो हमें एक रेक्टेंगल बनाना है तो दो वर्टिकल दो हॉरिजॉन्टल लाइंस की जरूरत है। तो जब तुम पहले का आंसर लिखोगे, दो वर्टिकल लाइंस, टोटल 6 वर्टिकल लाइंस थी, उसमें से दो सेलेक्ट करनी पड़ेगी, एंड टोटल 7 हॉरिजॉन्टल लाइंस है, उसमें से दो सेलेक्ट करनी पड़ेगी, तो एक रेक्टेंगल मिलता है इन दोनों केस में, तो टोटल इतने रेक्टेंगल्स आ जाएंगे। फिर उसके बाद सेकेंड नंबर ऑफ स्क्वेयर, पहले तो क्या 1 सेंटीमीटर साइड लेंथ के स्क्वेयर, तो ये बताओ हॉरिजॉन्टल लाइंस के कितने पेयर्स है जिनके बीच का गैप 1 सेंटीमीटर है, 1, 2, 3, 4, 5 वर्टिकल, ये वर्टिकल के पेयर, वर्टिकल के पेयर जिनके बीच का गैप 1 सेंटीमीटर 5, एंड हॉरिजॉन्टल के कितने पेयर आएंगे जिनके बीच का गैप 1 सेंटीमीटर 6, तो जो आंसर आएगा वो कितना है 5 × 6, इस पैटर्न से लिख रहा हूँ, ये 8 क्या है पेयर है जिनके बीच का गैप 1 सेंटीमीटर, ये हॉरिजॉन्टल के पेयर यानी वर्टिकल के पेयर, तो 8 × 8, ऐसे ही यहाँ पे हॉरिजॉन्टल के कितने हैं 6, वर्टिकल के कितने हैं 5, तो 5 × 6, एंड उसके बाद पैटर्न देख लो एक एक कम होता जा रहा है, 8 में से एक माइनस कर दिया, 8 में से एक माइनस कर दिया, तो 7 × 7, वैसे ही यहाँ पे पैटर्न 5 में से एक माइनस 4, 6 में से एक माइनस कर देंगे 5, तो इतने आएंगे वो, ठीक है, कितने आ रहे हैं 70 इसी पैटर्न से लिखा है उसको, एक बार वो पहला हमें मिल गया, ऐसे स्क्वेयर का नंबर हमें मिल गया जिसके बीच का क्या मतलब जिसकी साइड है क्या 1 सेंटीमीटर, फिर उसके बाद 2 सेंटीमीटर वाला निकालना बहुत आसान है, 5 − 1, 6 − 1, तो ये जो नंबर ऑफ स्क्वेयर आएंगे उनकी साइड लेंथ क्या रहेगी 2, ये जो नंबर ऑफ स्क्वेयर आएंगे उनकी साइड लेंथ रहेगी 3, इनकी साइड लेंथ रहेगी 4, एंड इनकी रहेगी 5, तो टोटल कितने स्क्वेयर आ जाएंगे 70, नंबर ऑफ स्क्वेयर ऑफ ऑल साइड लेंथ, तो किसको किसको ऐड करना पड़ेगा, ये देखो ये जो नंबर ऑफ स्क्वेयर है इनकी साइड लेंथ 1 है, मतलब ये उसमें आएगा, लेकिन इनकी साइड कितना, साइड लेंथ कितनी थी 2, ये नहीं आ पाएगा, इनकी साइड लेंथ 3 ये आ जाएगा, इनकी साइड लेंथ 4 ये नहीं आएगा, इनकी साइड लेंथ 5 ये आ जाएगा, तो और साइड लेंथ वाले जो है थर्ड, तो वो लिख रहा हूं मैं यहाँ पे 5 × 6 + 3 × 4 + 1 × 2, तो इतने वो स्क्वेयर रहेंगे जिनकी साइड लेंथ क्या रहेगी और इसकी रहेगी 1 सेंटीमीटर, इसकी 2, 3 सेंटीमीटर एंड इसकी 5 सेंटीमीटर, एंड फिर सम ऑफ एरिया ऑफ ऑल द स्क्वेयर्स, फोर्थ का आंसर लिख लो, इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे 1 स्क्वेयर, इसको 2 स्क्वेयर, इसको 3 स्क्वेयर, इसको 4 स्क्वेयर, इसको 5 स्क्वेयर, तो वो एरिया भी हमें मिल जाएगा। तो ये हो गए ज्योमेट्री के क्वेश्चंस हो गए, और भी करेंगे, ये उनमें से एक ग्रिड से रिलेटेड, तो इसमें किसी को कोई डाउट? और सर ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, बेसिक कंसेप्ट के ऊपर फोकस करना हमेशा, इसमें ग्रिड में वर्टिकल लाइंस हॉरिजॉन्टल लाइंस के मतलब नंबर कम करके ज्यादा करके दिया जा सकता है, फिर ऐसी चीजें पूछी जा सकती है, नंबर ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ ऑड साइड लेंथ, बेसिक के ऊपर फोकस करोगे तो सारे बन जाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही है, किसी को कुछ पूछना है आज के लेक्चर के रिगार्डिंग?